गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत बड़ा अपडेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकल के आ रहा है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी अगर जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो अब जो गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है उसमें आपको सारी बातें जो है क्लियर हो सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सरकार ने जीएसटीआर 9 से जुड़ी समस्याओं का जवाब दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज इशू किया है जिसमें गवर्नमेंट ने जो है जीएसटीआर 9 के जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसको क्लैरिफाई किया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे इश्यूज रह गए हैं जो कि क्लैरिफाई होने पेंडिंग है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है। ये आप देख पा रहे हैं प्रेस रिलीज, क्लैरिफिकेशन ऑन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर्म GSTR 9। यहाँ पे बताया गया, the last date for filing of annual return in form GSTR 9 is 30th June 2019। मतलब ये फिर से यही चीज कह रहे हैं कि annual return की जो filing date है वो 30 June 2019 है, तो ये date extend होगी या नहीं होगी इसमें अभी भी doubt बना हुआ है। The trade and industry have raised certain queries with respect to filing of this annual return which are being clarified as follows। काफी important clarifications आई हैं एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। सबसे पहला है, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन जीएसटीआर 2A एज ऑन 1st मई 2019 शैल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 8A ऑफ जीएसटीआर 9। जो हमारा जीएसटीआर 9 का टेबल 8A है उसके अंदर जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है उसको इन्होंने बोला कि 1st मई 2019 तक जो डेटा आपके जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है वो अपडेट हो चुका है, लेकिन पोर्टल पे जब हम लोग चेक करते हैं तो उस पोर्टल पे लिखा था 31st मई 2019। तो यहाँ पर अभी क्लैरिफिकेशन और जो पोर्टल दिखा रहा है दोनों में अभी फिलहाल जो है वो फर्क है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि 1st मई 2019 तक का जो भी आपका जीएसटीआर 2A में डेटा शो हो रहा होगा वो आपके टेबल नंबर 8 के कॉलम नंबर A में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा होगा, वो आपके 2A से मैच करेगा अप टू 1st मई 2019। अगला जो क्लेरिफिकेशन निकल के आ रहा है वो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाईज शैल बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम अप्रैल 18 टू मार्च 19 इन टेबल नंबर 8C ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 का टेबल 8C बेसिकली वो बात करता है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो वो आप अगर 18-19 में क्लेम किए हैं तो वो आपको वहां पर पुट अप करना है। एक्चुअली फॉर्म में लिखा हुआ है पीरियड अप्रैल 18 से लेके सितंबर 18 तक, तो इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अप्रैल 18 से सितंबर 18 जो पीरियड है उसको एक्चुअली पढ़ना है अप्रैल 18 से मार्च 2019, क्योंकि उसकी डेट जो है वो एक्सटेंड की गई थी अप टू मार्च 2019, लेकिन फॉर्म में इस चीज को अपडेट नहीं किया गया था, तो इस चीज को इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है। अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, मतलब 17-18 से जुड़ी हुई जो ट्रांजैक्शंस हैं डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स, जो कि आपने डिक्लेयर करी हैं रिटर्न्स के अंदर बिटवीन अप्रैल 18 टू मार्च 19 शैल बी डिक्लेयर्ड इन पार्ट 5 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 9। सच पर्टिकुलर्स मे कंटेन डिटेल्स ऑफ अमेंडमेंट्स फर्निश्ड इन टेबल 10 एंड टेबल 11 ऑफ जीएसटीआर 1। ये बिल्कुल साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड है और आपने उस फिगर को रिटर्न में डिक्लेयर किया है अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 की रिटर्न में, मतलब 18-19 की रिटर्न में अगर आपने उसको डिक्लेयर किया है तो उन सारे टेबल्स को, उन सारे फिगर्स को आप सिर्फ और सिर्फ पार्ट 5, सिर्फ और सिर्फ पार्ट 5 ऑफ जीएसटीआर 9, पार्ट 5 है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रिपोर्टेड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, सिर्फ और सिर्फ उसी टेबल में इंक्लूड करेंगे और किसी भी टेबल में इंक्लूड नहीं करेंगे। और वो टेबल 10 और टेबल 11 जो है उसमें अगर आपने कोई अमेंडमेंट करी है 17-18 से रिलेटेड, कोई 18-19 में अमेंडमेंट भी करी है तो वो भी आपको टेबल नंबर 10 और टेबल नंबर 11 के अंदर ही इंक्लूड करना होगा और उसको कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है। टेबल 4 को आप नहीं छेड़ेंगे। अगर आपने 17-18 का ट्रांजैक्शन 18-19 में डिक्लेयर किया है या 17-18 का कोई ट्रांजैक्शन 18-19 में आ करके आपने उसका अमेंडमेंट किया है। अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो है, इट मे बी नोटेड दैट द इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन द सप्लाई वाज डिक्लेयर्ड इन जीएसटीआर 1,
मतलब आपने अपनी GSTR 1 में किसी एक पर्टिकुलर सप्लाई को कभी भी दिखलाया हो उससे कोई मतलब नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। द प्रिंसिपल ऑफ डिक्लेयरिंग अ सप्लाई इन पार्ट 2 ऑफ पार्ट 5, मतलब अब ये बता रहे हैं कि प्रिंसिपल क्या है, मेन जो आपका लाइन फॉलो करना है पार्ट 2 और पार्ट 5। पार्ट 2 हो गया टेबल 4 टेबल 5, जिसमें हम लोग अपनी आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर करते हैं, और पार्ट 5 में टेबल 10 और टेबल 11 जो है 17-18 और 18-19 की सेल्स की बात जो करते हैं वो। इज एसेंशियली ड्रिवेन बाय व्हेन वाज टैक्स पेड थ्रू फॉर्म GSTR 3B इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। जो आपको मेरे को अगर ध्यान है तो मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको टेबल 4 टेबल 5 टेबल 9 10 11 और 14 जिसमें मैंने आपको सप्लाई से रिलेटेड चीजें बताई थी, उस चीज को अब कंफर्म कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी। मतलब इनका कहना यह है आपने अपनी GSTR 1 में कभी भी सप्लाई दिखा रखा हो, लेकिन GSTR 9 के टेबल नंबर 4 पार्ट 2 का और पार्ट 5 को भरने के लिए जो बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने उस सप्लाई से रिलेटेड जो टैक्स पे किया है GSTR 3B के द्वारा वो कौन से वाले पीरियड में आपने किया है। टैक्स जिस पीरियड में आपने जमा किया उस पीरियड के हिसाब से आपको अपना एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करना है। इफ द टैक्स ऑन सच सप्लाई वाज पेड थ्रू GSTR 3B बिटवीन जुलाई 17 टू 18, देन सच सप्लाई शैल बी डिक्लेयर्ड इन पार्ट 2। अगर आपने 17-18 से रिलेटेड GSTR 3B के अंदर अपना जो टैक्स है वो पे कर दिया है तो आप पार्ट 2 में दिखाएंगे, दैट मींस टेबल नंबर 4। एंड इफ द टैक्स वाज पेड थ्रू फॉर्म GSTR 3B बिटवीन अप्रैल 19 टू मार्च 19, देन सच सप्लाई शैल बी डिक्लेयर्ड इन पार्ट 5 ऑफ GSTR 9। लेकिन अगर आपने 17-18 से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शंस आपके पास है जिसका पेमेंट आपने 18-19 की GSTR 3B में पे किया, अब ये भी हो सकता है कि आपने टैक्स जमा किया 3B में दिखलाया है किसी एक ट्रांजैक्शन को 18-19 में, लेकिन आपने उस इनवॉइस को GSTR 1 के अंदर जो है वो 17-18 में ही इंक्लूड कर दिया है, फिर भी आपको क्या करना है, अगर आपने टैक्स जमा किया है 18-19 में तो वो आप टेबल नंबर 4 में नहीं दिखवाएंगे, हालांकि वो अमाउंट जो है टेबल नंबर 4 में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो रहा होगा, उसको आप वहां से हटाएंगे और अमाउंट को टेबल नंबर 10 में इंक्लूड करेंगे। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आपको दिया गया है, आप वहां पर जाकर के जरूर एक बार रेफर कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है, एनी एडिशनल आउटवर्ड सप्लाई विच वॉज नॉट डिक्लेयर बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म GSTR 1 एंड GSTR 3B शैल बी डिक्लेयर्ड इन पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म GSTR 9, सच एडिशनल लाइबिलिटी शैल बी कंप्यूटेड इन पार्ट 4 एंड द गैप बिटवीन टैक्स पेबल एंड पेड थ्रू कैश कॉलम ऑफ GSTR 9 शैल बी पेड थ्रू फॉर्म DRC 03। एग्जैक्टली वही लाइन जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपने अभी तक अपनी कोई आउटवर्ड सप्लाई की अभी तक डिक्लेरेशन नहीं करी है, मतलब 18-19 की रिटर्न के बाद भी डिक्लेयर नहीं करा या 18-19 की रिटर्न के बाद डिक्लेयर किया है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस चीज को आप टेबल नंबर 4 में इंक्लूड कर लीजिए, और टेबल नंबर 4 में जब इंक्लूड कर लेंगे तो उसका जो टैक्स कंप्यूटेशन वाला टेबल है उसके अंदर टैक्स पेबल और टैक्स पेड में डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस का अमाउंट जो है आप DRC 03 के यूज करके आप पेमेंट कर दीजिए। काफी अच्छा ये चीज बताया गया है, ITC से रिलेटेड भी ऐसा कुछ अगर इंफॉर्मेशन आता है तो वो काफी हेल्पफुल होने वाला है। Many taxpayers have reported a mismatch between auto-populated data and the actual entry in their books of accounts or returns. अब ये आया important चीज कि auto-populated data और books में और return में जो data है उसमें काफी ज्यादा mismatches आ रही हैं। उस situation में क्या करें? One common challenge reported by taxpayer in table number 4 of GSTR 9, where details may have been missed in form GSTR 1, but the tax was already paid in GSTR 3B, and therefore taxpayers say a mismatch between auto-populated data and data in GSTR 3B. कई लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है कि GSTR 3B में जो अमाउंट डाला गया है वो आपका और GSTR 1 में जो डेटा है वो दोनों अलग अलग है, इस वजह से GSTR 9 में जो auto-populated डेटा आ रहा है उसमें कुछ mismatches हो जा रही हैं और 3B के साथ वो डेटा मैच नहीं कर रहा। इट मे बी नोटेड दैट ऑटो पॉपुलेशन इज अ फंक्शनैलिटी provided to the taxpayers for facilitation purposes. Taxpayers shall report the data as per their books of accounts or return filed during the year. यहाँ पर ये लोग फिर से यही reiterate कर रहे हैं कि आपको अपना जो details file करना है table number 4 में
वो आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसके हिसाब से या जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिक्लेयर किया है उन दोनों के हिसाब से आप अपना डेटा जो है टेबल नंबर 4 का अमेंड कर सकते हैं। अगला पॉइंट निकल के आता है, मेनी टैक्स पेयर्स हैव रिप्रेजेंटेड दैट टेबल नंबर 8 हैज नो रो टू फिल इन क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स बट अवेल्ड इन द रिटर्न ऑफ अप्रैल 18 टू मार्च 19। जो आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बात है और आपने उसका क्रेडिट लिया है 18-19 में, लेकिन टेबल नंबर 8 में इसका ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है। ड्यू टू दिस देयर आर एप्रिहेंशंस दैट क्रेडिट व्हिच वाज अवेल्ड बिटवीन अप्रैल 18 टू मार्च 19 बट नॉट रिपोर्टेड इन द एनुअल रिटर्न में लैप्स फॉर दिस पर्टिकुलर एंटिटी टैक्स पेयर्स आर एडवाइज टू फिल इन देयर इंटायर क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम जुलाई 17 टू मार्च 19 इन टेबल नंबर 6E ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 9 इटसेल्फ। अगर आपका कोई आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स का क्रेडिट आपने 18-19 में लिया है तो उन सारे ही अमाउंट को टेबल नंबर 6(E) फॉर्म जीएसटीआर 9 के अंदर इंक्लूड कर दीजिए जुलाई 17 से लेके मार्च 19 तक के पूरे पीरियड का। आस्ट लास्ट पॉइंट जो आया है वो है पेमेंट्स मेड थ्रू DRC 03 फॉर एनी सप्लाईज रिलेटिंग टू द पीरियड बिटवीन जुलाई 17 टू मार्च 18 विल नॉट बी अकाउंटेड फॉर इन जीएसटीआर 9 बट शैल बी रिपोर्टेड ड्यूरिंग रिकंसिलेशन इन जीएसटीआर 9। जो भी आपने पेमेंट किया है फॉर्म DRC 03 को इस्तेमाल करते हुए वो कहीं भी अकाउंटेड नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जीएसटीआर 9 से इस चीज को रिकनसाइल किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ने सीबीआईसी ने इशू किया है एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। अभी भी काफी सारे इशू इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है जो कि इसमें क्लैरिफाई नहीं किए गए। ऑल द टैक्स पेयर्स आर रिक्वेस्टेड टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न एट द अर्लीस्ट। तो इससे ये लग रहा है कि डेट एक्सटेंशन का चांसेस जो है वो अब काफी कम हो गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी लोगों की समस्याएं जो है जीएसटीआर 9 से जुड़ी हुई वो इस वीडियो के अंदर क्लैरिफाई हो जाएंगी। अगर आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई बुक्स चाहिए या जीएसटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनको रेफर एक बार कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर में संपर्क करें। Thank you and have a nice day.